हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं प्रतिभा कुशवाहा मेरे किड्स ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो, और इस वीडियो में आज हम जानेंगे एडिशन मतलब जोड़ के सवाल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहले हम वन डिजिट वाले नंबर प्लस करेंगे। पहला नंबर है 5 प्लस 2। इन दोनों नंबरों को प्लस करने के लिए पहले हम ऊपर वाले नंबर 5 के लिए 5 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम नीचे क्या लिखा है 2, तो हम इधर 2 लाइंस खींचेंगे। 1 2। अब इन सभी लाइनों को प्लस कर लेंगे और जो आएगा उसको इधर लिखेंगे। तो हम काउंट करते हैं, चलिए काउंट करिए आप भी सभी साथ में। 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या आया? 7। तो हम इधर लिखेंगे 7। ये हमारा आंसर हुआ। अभी हम देखते हैं दूसरा सवाल। 6 प्लस 3। ऊपर लिखे हुए नंबर को इधर हम उतनी ही लाइन खींचेंगे जितना इधर लिखा है। तो इधर लिखा है 6, तो हम खींचेंगे 6 लाइन। 1 2 3 4 5 6। नीचे लिखा है 3, तो इधर हम खींचेंगे 3 लाइंस। 1 2 3। अब इन सभी लाइनों को काउंट करेंगे और इधर देखते हैं क्या आता है। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ लिखेंगे 9। ये हमारा आंसर हो गया। अभी हम देखते हैं अगला सवाल। 4 प्लस 2। अब इन दोनों नंबरों को प्लस करके क्या आएगा, चलिए देखते हैं। पहले लिखा है 4, तो हम इधर खींचेंगे 4 लाइंस। 1 2 3 4। इधर ही लिखा है 2, तो इधर हम खींचेंगे 2 लाइंस। 1 2। अब इन सभी लाइनों को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर हो गया 6। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है 6 प्लस 4। 6 और 4 को प्लस करना है। तो ऊपर लिखा है 6, तो हम पहले खींचेंगे 6 लाइंस। 1 2 3 4 5 6। फिर हम खींचेंगे 4 लाइंस। 1 2 3 4। अब इन सभी लाइनों को एक साथ काउंट करेंगे। चलिए आप भी मेरे साथ काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा आंसर आया 10। उसको हम इधर लिख देंगे 10। तो देखिए कितना आसान तरीके से आप प्लस के सवाल कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे 2 डिजिट वाले ऐड के सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 42 प्लस 16। 2 डिजिट वाले सवालों को प्लस करने के लिए हम राइट साइड से शुरू करते हैं, यानी दाहिने तरफ से शुरू करते हैं। तो पहला हमारा नंबर है 2, तो इधर हम खींचेंगे 2 लाइन। 1 2। उसके बाद हमारा नीचे क्या लिखा है 6, तो इधर खींचेंगे हम 6 लाइन। 1 2 3 4 5 6। इन सभी लाइनों को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आया? 8 आया। तो हम इसके नीचे 8 लिख देंगे। अब इधर क्या लिखा है 4, तो इधर हम कितनी की लाइन खींचेंगे 4। 1 2 3 4। उस 4 के नीचे लिखा है 1, तो इसके नीचे हम खींचेंगे 1 लाइन और इन सभी लाइनों को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5। तो क्या है हमारा 58। तो चलिए
अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 52 + 12, तो राइट साइड से प्लस करने के लिए हमें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 को हम, 2 के लिए हम 2 लाइन खींचेंगे, 1 2, 2 के नीचे क्या लिखा है, 2, तो फिर से हम 2 लाइंस खींचेंगे, 1 2, और इन सभी लाइनों को एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 4। अब इधर क्या लिखा है, 5, तो हम खींचेंगे 5 लाइंस, 1 2 3 4 5, 5 के नीचे लिखा है 1, तो हम खींचेंगे 1 लाइन, और इन सभी लाइनों को एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 6, तो हमारा क्या आया, 64। सेम इसी तरीके से हम 3 डिजिट के सवालों को भी हल करते हैं, तो चलिए एक 3 डिजिट का सवाल ले लेते हैं। तो आइए करते हैं 3 डिजिट का एक सवाल, 4 3 2 5 4 3, ये 3 डिजिट के सवालों को प्लस करते हैं। तो जैसे हमने ऊपर बताया था कि हमेशा 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट या 4 डिजिट के सवालों को हम राइट साइड से ही जोड़ना शुरू करते हैं, तो हमारा राइट साइड में जो पहला नंबर है वो है 2, तो हम पहले खींचेंगे 2 लाइंस, 1 2, 2 के नीचे लिखा है 3, तो हम खींचेंगे 3 लाइंस, 1 2 3, और इन सभी लाइनों को एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 5। अब अगला नंबर है 3, तो हम खींचेंगे 3 लाइंस, 1 2 3, 3 के नीचे लिखा है 4, तो हम खींचेंगे 4 लाइंस, 1 2 3 4, और इन सभी लाइनों को एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 7। अब अगला नंबर है 4, तो हम खींचेंगे 4 लाइन, 1 2 3 4, 4 के नीचे लिखा है 5, तो हम खींचेंगे 5 लाइंस, 1 2 3 4 5, और इन सभी लाइनों को एक साथ काउंट करेंगे, तो चलिए आप भी हमारे साथ काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम अब इसके नीचे लिख देंगे 9। तो इस तरीके से हम 3 डिजिट के सवालों को जोड़ते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा है 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट के जोड़ के सवाल, और अगले वीडियो में हम सीखेंगे कैरी वाले यानी हासिल वाले जोड़ के सवाल। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।